नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजधानी पटना के सबसे पुराने टॉप 10 स्कूल के बारे में। बात बिहार की हो और शिक्षण संस्थान का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं किसी भी राज्य की प्रगति में शिक्षा एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी क्रम में हम आज आपसे बात करेंगे पटना के 10 सबसे पुराने स्कूल के बारे में। इन स्कूल में पढ़े छात्रों ने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि विदेश तक बिहार का मान बढ़ाया है, जिनकी स्थापना अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पहले हुई थी और आज भी शिखर पर मौजूद है। इस क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार की धरती के 10वें नंबर पर स्थित स्कूल के बारे में। तो इसमें बात करते हैं बॉल्विन अकेडमी की। बॉल्विन अकेडमी पटना बिहार में एक सह शैक्षिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। प्रभास कुमार और राजीव रंजन सिन्हा ने स्कूल की शुरुआत साल 1987 में की थी। स्कूल का नाम संत बॉल्विन के नाम पर रखा गया था। स्कूल का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से अफिलिएशन प्राप्त है। यहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। बॉल्विन एकेडमी का धनवापुरा दक्षिण बाईपास रोड पटना में एक अत्याधुनिक परिसर है। स्कूल छात्रों के लिए आधुनिक कक्षाओं, बहुउद्देशीय हॉल, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, खेल परिसर और कई अन्य सुविधाओं जैसी विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे 9वें स्थान पर DAV पब्लिक स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में। DAV पब्लिक स्कूल की स्थापना 1993 को हुई थी। वहीं इस साल आर्मी पब्लिक स्कूल की स्थापना भी हुई थी। आर्मी पब्लिक स्कूल पटना में एक सरकारी सह शिक्षा विद्यालय है। स्कूल का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से एफिलिएशन प्राप्त है और यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा प्रदान करता है। स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी स्कूल का प्रबंधन करती है। आर्मी स्कूल की गिनती पटना के बेहतरीन स्कूल में की जाती है। स्कूल में छात्रों की सुविधा के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडियो विजुअल रूम, कंप्यूटर लैब, आधुनिक क्लासरूम, कैफेटेरिया और कई अन्य सुविधाएं मौजूद है। वहीं DAV पब्लिक स्कूल पटना में सबसे अच्छे स्कूल में से एक गिना जाता है, जिसे साल 1993 में ही शुरू किया गया था। स्कूल को बिहार राज्य बिजली बोर्ड यानी कि BSEB के सहयोग से शुरू किया गया था। स्कूल बिहार में वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक है। इसका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से इसे भी एफिलिएशन प्राप्त है। पटना के स्कूल में अब बात करते हैं पटना सेंट्रल स्कूल की। पटना केंद्रीय विद्यालय पटना में एक सह शिक्षा विद्यालय है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से स्कूल की शुरुआत 1980 में हुई थी। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल की शुरुआत की थी। स्कूल का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से एफिलिएशन प्राप्त है। स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। स्कूल में एक खूबसूरत परिसर भी है, जिसमें अकेडमिक ब्लॉक, हाउसिंग, हाईटेक लैब और क्लासरूम है। स्कूल में लाइब्रेरी, हॉस्टल, लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, म्यूजिक रूम, डांस रूम, स्टाफ रूम और कई अन्य सुविधाएं मौजूद है। अब हम 7वें नंबर पर बात करेंगे 1973 में शुरू हुए डॉन बॉस्को एकेडमी की। डॉन बॉस्को एकेडमी पटना बिहार में एक निजी सह शिक्षा विद्यालय है। स्कूल में काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी ICSE से एफिलिएशन प्राप्त है। एल्फ्रेड डी रोजारियो और उनकी पत्नी डोरोथी डी रोजारियो ने साल 1973 में स्कूल की स्थापना की थी। स्कूल 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा प्रदान करता है। स्कूल का पटना के दीघा में 2 एकड़ में फैला एक खूबसूरत परिसर है। स्कूल द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में आधुनिक क्लासरूम, हाईटेक लैब, ओपन एयर स्टेज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और छात्रों के लिए कई अन्य सुविधाएं शामिल है। अब 6वें स्थान पर बात करते हैं लोयला हाई स्कूल की। लोयला की स्थापना साल 1969 में हुई थी। लोयला हाई स्कूल पटना में एक निजी सह शैक्षिक हाई स्कूल है। सेंट गैब्रियल के मॉन्टफोर्ट ब्रदर्स ने साल 1969 में रोमन कैथोलिक स्कूल शुरू किया था। स्कूल का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से एफिलिएशन प्राप्त है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। स्कूल सेंट ग्रेब्रियल के समाज के तहत एक गैर ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल है। स्कूल में सदाकत आश्रम में एक परिसर है, जिसमें छात्रों के लिए आधुनिक कक्षाएं, प्रयोगशाला, विशाल सभागार और कई अन्य आवश्यक आधुनिक सुविधाएं जैसे विभिन्न सुविधाएं मौजूद है। 5वें स्थान पर अब बात करेंगे नोटरडेम एकेडमी की। नोटरडेम एकेडमी पटना में एक कैथोलिक माध्यमिक विद्यालय है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध एक बालिका विद्यालय है। सिस्टर सेंट थॉमस SND, सिस्टर मैरी फ्रेट और सिस्टर सुशीला ने साल 1960 में स्कूल की स्थापना की थी। यह स्कूल पटना नोटरडेम सिस्टर की सोसाइटी के नियंत्रण में है और यह पटना के रोमन कैथोलिक
आर्किडियोसीज से संबंधित है। नोटरडेम एकेडमी में एक एम्फीथिएटर, आधुनिक क्लासरूम, अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, कैंटीन, भाषा प्रयोगशाला, गणित प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, आईटी लैब, खेल और खेल परिसर, सभागार और छात्रों के लिए कई अन्य सुविधाएं जैसे कई सुविधाओं के साथ एक सुंदर परिसर मौजूद है। अब चौथे नंबर पर बात करेंगे सेंट जेवियर हाई स्कूल के बारे में। सेंट जेवियर हाई स्कूल पटना बिहार में एक निजी शैक्षिक विद्यालय है। यह बिहार का सबसे पुराना जेसुइट यानी कि सोसाइटी ऑफ जीजस स्कूल है। यह सोसाइटी ऑफ जीजस के अमेरिकन शिकागो प्रांत के मिशनरियों ने स्कूल की स्थापना साल 1940 में की थी। उन्होंने इसका नाम सेंट फ्रांसिस जेवियर नामक एक स्पैनिश संत के नाम पर रखा था। यीशु की संस्था स्कूल का संचालन करती है। स्कूल में काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ICSE और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB से एफिलिएशन इसे प्राप्त है। स्कूल में तीन भवन है, एक बालवाड़ी के लिए, दूसरा प्राथमिक विद्यालय के लिए और तीसरा भवन वरिष्ठ विद्यालय के लिए है। स्कूल में बहुउद्देशीय हॉल, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, CCTV सुरक्षा, परिवहन सुविधा और छात्रों के लिए अनपर्याप्त सुविधा जैसे विभिन्न सुविधाएं मौजूद है। अब तीसरे नंबर पर बात करेंगे श्रीराम सेनेटेरियल स्कूल के बारे में। श्रीराम सेनेटेरियल स्कूल पटना बिहार के एक सह शिक्षा विद्यालय है। सर श्रीराम ने साल 1884 में स्कूल की स्थापना की थी। सर श्रीराम ने दिल्ली से लेडी श्रीराम कॉलेज की भी स्थापना की है। स्कूल का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से एफिलिएशन प्राप्त है। स्कूल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जो अपने छात्रों के लिए वैश्विक मानक में मेल खाता है। पटना के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में से एक होने के नाते इसमें विभिन्न उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ आधुनिक वाईफाई सुसज्जित परिसर है। स्कूल में कंप्यूटर लैब, CCTV सर्विलांस, टेक इनबिल्ड स्मार्ट क्लासरूम, वाईफाई एक्सेसिबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज लैब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कई अन्य सुविधाएं जैसे कई सुविधाएं उपलब्ध है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल के बारे में। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल पटना बिहार में एक निजी लड़कियों का हाई स्कूल है। यह बिहार के सबसे पुराने स्कूल में से एक है जो साल 1853 में अनास्तासियस हार्टमैन द्वारा शुरू किया गया था। स्कूल में भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा यानी कि ICSE और बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSEB से एफिलिएशन प्राप्त है। स्कूल में अंग्रेजी और हिंदी में शिक्षा का माध्यम है। मैरी वार्ड की शिक्षाएं स्कूल का मार्गदर्शन करती है। यह पटना के सबसे अच्छे स्कूल में से एक है। स्कूल का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य शिक्षाविदों और सह पाठ्यक्रम गतिविधि दोनों में उत्कृष्ट प्रदान करता है। पहले नंबर पर अब बात करेंगे सेंट माइकल हाई स्कूल की। यह स्कूल बिहार का सबसे पुराना स्कूल है। आपको बता दें सेंट माइकल हाई स्कूल पटना दीघा पटना में एक निजी सहशैक्षिक हाई स्कूल है। यह बिहार के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। यह एक कैथोलिक मिशनरी स्कूल है जिसकी शुरुआत साल 1858 में ही हुई थी। इसका प्रबंधन पटना जेसुइट सोसाइटी द्वारा किया गया था। स्कूल का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से एफिलिएशन प्राप्त है। विद्यालय परिसर पटना के दीघा पड़ोस में गंगा के तट पर स्थित है। स्कूल में उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और आधुनिक कक्षाओं, लैब, ऑडिटोरियम, असेंबली ग्राउंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कंप्यूटर लैब, इंडोर गेम कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया और छात्रों के लिए कई अन्य सुविधाएं मौजूद है। हम आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके अनुसार पटना का सबसे बेहतर स्कूल कौन सा है, इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।